अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैं नाश्ता बनाने आई हूँ, और उससे पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। मैं स्कूल से जो है ना छोड़ कर आई थी अपने बेटे को, तो मैंने कहा अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो चलो नाश्ता कर लें और देखती हूँ क्या मैं फटाफट सब्जी बना सकती हूँ। तो आज ये व्लॉग में आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और शेयर करें और वीडियो एंड तक देखें। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, और एक और चीज़ जो आपसे शेयर करने वाली थी मैं, और मैं उसका इंतज़ार करती थी कि वो जल्द से मेल में आ जाए, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। लेकिन अब मैं जो अपने ब्लॉग में आपसे इस बारे में शेयर भी करूँगी क्या है वो चीज़। तो वीडियो को जो है वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बने रहना है, मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है जी। तो जी यहाँ पर कावा मेरा जो है ना ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब मैं इसमें डाल लूँगी दूध, और सिर्फ मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और हस्बैंड तो जॉब पर हैं, बेटा मेरा स्कूल है, अब मैं ही हूँ और मेरी बेटी है, मुझे नाश्ता उनके लिए फटाफट से बनाना है। अच्छा जी, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल जो है टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा जो है ना ये कंपनी मशहूर हुई है, इस वजह से कि ये जी वो खुद में हाथ से इंस्ट्रक्टर या इस तरह कुछ नहीं होते, जस्ट वो कोई प्रोग्राम लेते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, और अगर उनको इसमें जो है फ़ायदा मिल रहा होता है, उनके वेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डाउन आए होते हैं, उनकी अच्छी जो है रिपोर्ट्स आई होती हैं, तो फिर वो जो है इस कंपनी से जो है ना कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो वो जो है फिर टिकटॉक पे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भी हमने ये यूज़ किया है और इसको हमें जो है लेने से ये बेनिफिट्स हुए हैं, हमारे इतने किलो जो है नीचे हो गए हैं, यानी जो है डाउन हो चुके हैं, गिर गए हैं, हम जो है स्लिम हो गए, स्मार्ट हो गए। तो जो ये वाले जो है ना चीज़ें जो मैंने एक्चुअली वैसे तो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन जो है मैंने ना आई थिंक साइबर मंडे लिया था, तो साइबर मंडे को तो गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 10 डेज से ज़्यादा हो चुका है, और अब ये जाकर कल आया है। तो इसमें जो है ये लाइक फैट बर्निंग जो है कैप्सूल्स हैं, जो आपको अपनी डाइट के साथ जो है, इसके साथ साथ आपको ये अगर लेना है तो आपको डाइट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने इस तरह की एक और चीज़ थी, वो भी मैंने कोई ली थी, उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आई डोंट नो, उसको तो लेने से ऐसा लग रहा था कि मेरा जो मेरी बॉडी है ना वो भी काम करना छोड़ जाएगी। और इस ये बहुत आजकल कॉलेजन और ट्रिमर बहुत इन है, आई डोंट नो अगर जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं तो उनकी मे बी, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा ऐसे मुल्कों से हैं वहाँ पर जो हैं ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और सेल पे जो हैं फिर भी करते कराते मुझे सेल पे भी $100 से ऊपर ये सब चीज़ें पड़ी हैं। सिर्फ ये तीन हैं जिसमें एक एक्टिवेटर है, और ये जो है लाइक इस तरह का है कि इसके मसाशे होता है, और वो आपको जस्ट ना रात के वक्त फर्स्ट मंथ में जो है ना 2-3 दिन वो है ना आपको लगातार ये लेना है, ये लाइक आपकी बॉडी से जो है ना डिटॉक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो ख़त्म कर देता है। तो ये मैंने एक रात को लिया था, और ये ट्रिमर है जो आपको खाली पेट जो है दिन में एक दफ़ा लेना है, और ये जो है ना कैप्सूल्स ये दिन में आपको 3 दफ़ा लेने हैं, और अकॉर्डिंग टू योर लाइक खाने के साथ लेने हैं, विदाउट मील आपने नहीं लेने। तो अब मैंने तो इसको सिर्फ रात को लिए हैं, और आप देखते हैं कि किस तरह इसका क्या रिज़ल्ट होता है। मुझे इसका फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर की बात करें, कुछ होते हैं ना वेट लॉस प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ें, वो बहुत ही अजीब और उनसे स्टिंग सी स्मेल आती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए बने होते हैं। लेकिन इनके जो खाने के जो फ्लेवर है, मतलब ये चॉकलेट फ्लेवर लिया है, चॉकलेट मेरा फेवरेट फ्लेवर है, मुझे ज़्यादा यही पसंद आता है हर चीज़ में। और इसमें यह है कि इसमें बिल्कुल उन्होंने फ्लेवर चेंज किया हुआ है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप चॉकलेट खा रहे हैं। आपने एक चम्मच जो है ना लेना है, और उसके बाद फिर आपने जो है नाश्ता वगैरह करना है, लंच करना है, जो भी करना है उसके साथ आपने ये लेना है। और ये जो है सिर्फ आपने मंथ में एक दफ़ा यूज़ करना है, और ये भी आए भी 3 साशे थे, और अब ये रह गए 2। अब आई डोंट नो ये मैं अब नेक्स्ट कब लेती हूँ, तो अगर मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला तो मैं भी आपसे इस बारे में शेयर करूँगी, बिकॉज ये नॉट लाइक ये इतनी कोई इनएक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है कि हम लोग जो हैं जल्दी से बाय कर लें, क्योंकि हम देख कर तो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं एडवर्टाइजमेंट, और लोग कहते हैं भी हमारे इतने केजीज़ वगैरह जो हैं लूज़ हुए हैं,
लेकिन जब तक आप खुद इसको ट्राई नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो देखती हूँ कि अगर ये मेरे लिए अच्छा रहा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, और अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टाइम ये मेरी परचेज होगी। तो जी यहाँ पर मैंने जो है बना लिया बैटर, पतला सा, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा पतला हो गया, खैर कोई बात नहीं, पैनकेक हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डाला हुआ है, तो पता नहीं कुछ दिनों से मैं पैनकेक ही खाई जा रही हूँ। और ये हैं जी पैनकेक्स जो हैं ऑर्गेनिक टाइप और काफ़ी यानी अच्छे हैं, यानी डिफरेंट थोड़ा सा फ्लेवर है दूसरों से। तो ये ख़त्म भी हो गया, मतलब छोटा सा पाउच था और मैंने अमेज़ॉन से अपनी डिलीवरी ऑर्डर करवाई थी, तो ये फर्स्ट टाइम था। और मैं नेक्स्ट टाइम भी ये हो सके तो यही जो हूँ लेकर आऊँगी। तो अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, जल तो गया होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे जो पैनकेक्स है ना इसी तरह ही स्लाइटली ब्राउन से अच्छे लगते हैं, वाइट वाइट नहीं अच्छा लगता। अच्छा जी, तो साथ में नाश्ता मैं करूँगा केक रस। तो ये वाले केक रस जो है ना केसीबी के मेरे फेवरेट हैं। तो केसीबी अगर आप मुझे देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर करें केक रस, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप में से कौन से लोग जो हैं चाय के साथ केक रस या जो सादा रस होता है वो खाना पसंद करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं जो नाश्ते के बाद जो ना चाय के साथ ज़रूर ये लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हो गए पैनकेक, और एक जो है वो पैन में पड़ा हुआ है। साथ में है जी मेरी आज की चाय, और साथ में लूँगी जी ये कॉर्न सिरप डालूँगी उसमें, तो फिर जो है मज़ा दुबाला हो जाएगा मेरे पैनकेक्स का। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी प्यारा सा छोड़ दें, ठीक है जी। तो जी मेरा यहाँ पर जो है काम क्लीनिंग थोड़ी सी डन हो गई है, तो बस ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये माइक्रोवेव बाहर जाएगा, बिकॉज मैंने नया माइक्रोवेव ले लिया, तो मैं ये बाहर रख दूँगी, जिसने उठा कर लेके जाना हो चला जाएगा। और क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, और ये लगी हुई है मैडम अपने खेलने, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं बस अब थोड़ा सा ये रह गया ट्रैश वगैरह, और मैं इसे जो हूँ थोड़ी देर बाद फेंक कर आऊँगी वैसे किचन का काम हो जाए। बस अब मेरे रह गए थोड़े से बर्तन वगैरह, मैं इनको जल्दी से वॉश कर लूँगी और ये किचन जो हो जाएगा डन, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। तो मैं अब क्लीनिंग से फारिग हुई हूँ, तो साथ ही मैंने जो है ना दोपहर का खाना वगैरह जो है रेडी कर लिया। और प्रॉपर तो मैं जो है नहीं इसको कर सकी शूट, लेकिन जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका था काम। दाल मेरी बन चुकी थी और मैंने जो है साथ पानी भी चढ़ा दिया था। अब मैं जो हूँ चावल वगैरह जो है वो उबाल लूँगी, और ये जो है मैं डिनर मेरा जो है डिनर भी हो जाएगा, और दोपहर में भी जो अगर खाना हुआ ना तो वो मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा आएगा आफ्टर 4 o'clock, तो फिर उसके लिए जो है ना रेडी होगा। तो चावलों को जो है एटलीस्ट मैं 1-2 घंटे के लिए जो है भिगो के रख देती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो जो पानी में जो है कुछ देर के लिए रहें, ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हों। तो ये जो सौंफ था, मीठी सौंफ मैं लेकर आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यानी कभी ना कभी जो है ना किचन में हो या वैसे भी जो है ना मैं इस तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो साथ में ये पी रही थी निकट का ग्रीन मशीन, अच्छे जूस हैं ये, तो साथ जो है किचन में मैंने कहा कुछ पी लिया जाए। तो जी उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था, आज मैं वेट कर रही थी, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट पे ही ऑर्डर किया था। अब मुझे श्योर नहीं था कि मैं ऑर्डर करूँगी और ऑर्डर आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है ना मेरे बेटे का जो है एक लाइक होता है ना कोई एक्टिविटी होती है, तो अब जैसे क्रिसमस आने वाला है तो उससे पहले जो है ना पजामा पार्टी कोई होने वाली है उनकी, बच्चे जो है ना घर से अपने पीजेस वगैरह पहन के जाएंगे, और नीचे होंगे उनके रेगुलर्स जो होते हैं वो टेनिस शूज़ जो रेगुलर पहनते हैं। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, जस्ट मैंने लास्ट मिनट पे ये जो है इसे पसंद करवाया कि देख लो अगर पसंद आता है तो मैं बाय कर लूँ। तो फाइनली फिर जो है मैंने लास्ट मिनट पे शॉपिंग कर ली, और शुक्र है कि ये जो है शाम के वक्त आ गया, और अभी मतलब 1-2 दिन थे तो फाइनली जो है ये काम भी डन हो गया। तो फाइनली अब रात हो चुकी है और मैं बिल्कुल थक चुकी थी टोटली, क्योंकि मैं सारा दिन इतना बिजी थी। तो अब जो है ना फटाफट से जो है मैंने केसडियाज जो हैं फ्रोज़न वो जो है मैंने बस गर्म किए, और मैं जो हूँ सीधा ही कमरे में आ गई। मैंने कहा चलो टीवी थोड़ा सा देखूँगी और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, और साथ ये भी खा लूँगी, बच्चों को तो मैंने बाहर दे दिया है, वो अपने टीवी वगैरह देख रहे हैं, और मैं अंदर आ गई, मैं अपना टीवी वगैरह अंदर देखूँगी आराम से।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।